लोक परंपरेन नटिल्ल्या लोक उत्सवाक आमी सगळीं जाणां तयारेन राविल्लीं आसा. भारदस्त आनी पकदस्त अशा वातावरणांत आनी अशा माहोलांत आयचो हो म्हादय लोक उत्सव धा डॉक्टर मृदुलाजी सिन्हा आपके कर कमलों से इस म्हादय लोक उत्सव का उद्घाटन होने जा रहा है. लोक संस्कृति से भरा पूरा यह माहौल और आपका स्वागत. म्हादय लोक उत्सव पहिले फाउट 70 गावांत हांगा म्हादय लोक उत्सवाचे भरगच्च अशे आयोजन जाता. तुमच्या आमच्या अशा इतिहासिक गवाये आयच्या ह्या दिसाची आयच्या ह्या सांजेची आणि म्हादय लोक उत्सवाची आम्ही तयारी केली असा आणि ताची सुरुवात आता ह्या खिणा सोपून आम्ही सुरुवात करतात. गोवा राज्य की राज्यपाल डॉक्टर मृदुलाजी सिन्हा आप यहाँ पर आपका आगमन हो चुका है अनेक अनेक दिनों से और न जाने कितने ही रातें संजोकर यहाँ 70 गांव के हर एक युवक ने और हर एक युवा मन ने युवा स्पंदनों ने बहुत ही जागृत भावना से इस म्हादय लोक उत्सव का आयोजन किया है. कितना परिश्रम किया है और कितना पसीना बहाया है ये तो हम न जाने, लेकिन फिर भी एक ऐतिहासिक गवाह है गोवा की संस्कृति में और गोवा के ऐतिहासिक पन्नों पर जो कि म्हादय लोक उत्सव का आयोजन और आज कल और परसों 10, 11 और 12 मई 2019 के दिन यहाँ का माहौल ही नहीं लेकिन बल्कि पूरे गोवा में और गोवा के बाहर के जितने भी यहाँ पर जनमानस स्थित हुए हैं गोवा राज्य में उनके लिए यह अनोखा उदाहरण रहेगा, क्योंकि यहाँ का सादरीकरण और यहाँ के प्रत्यक्षीकरण से ही यह माहौल और भी बरकरार हो जाएगा आज कल और परसों. पूरी तालियों के साथ हम फिर एक बार महामहिम राज्यपाल डॉक्टर मृदुलाजी सिन्हा आपका तालियों से हम स्वागत करते हैं. म्हादय लोक उत्सवाचे अध्यक्ष श्री लक्ष्मण गावस, नमन सावंत आवसकर, त्याचप्रमाण सचिव गोपीनाथ गावस, उदय सावंत आणि येवकार अध्यक्ष उत्तम गावकर हांचे कडेन आदरणीय गोयचे राज्यपाल डॉक्टर मृदुलाजी सिन्हा हांकां मानान आणि सन्मानान ह्या मंचाचेर घेऊन येवचे. लोक परंपरा से सजीव हुए इस मंच पर आदरणीय राज्यपाल डॉक्टर मृदुलाजी सिन्हा आपका हार्दिक स्वागत. औपचारिक और अनौपचारिक रूप से 70 गांव की विरासत संजोई हुई यह 70 जहां है शिक्षा, कला, संस्कृति और समाज की हर नस नस में अपनत्व और सराबोर हुए गए विविध आयाम, जहां ग्रामीण साहित्य सम्मेलन से पहली योजना यही इसी 70 में हो चुकी थी, यहीं पर इसका आकार निर्माण हो चुका था, उसी 70 में आज हर श्वास और श्वास में रोंगटे खड़े करने वाले आज समाहित हुई है और आज आकार ले रहा है म्हादय लोक उत्सव. म्हादय बचाओ आंदोलन से हम अपरिचित नहीं है, यहाँ का जनमानस ही नहीं लेकिन हर एक जनमानस में म्हादय बचाओ आंदोलन इससे हम बहुत ही वाकिफ हो चुके हैं. इसी म्हादय पर हमारी संस्कृति, हमारे लोक आचार, हमारी लोक परंपरा बहुत ही बसी है, हमारे तन में, मन में और ध्यान में सब कुछ बसा हुआ है. म्हादय का हर एक आयाम और हर एक श्वास और हर एक प्रश्वास अध्यक्ष श्री लक्ष्मण गावस
आपसे मैं विनती करती हूँ, महामहिम डॉक्टर राज्यपाल मृदुलाजी सिन्हा आप उनका स्वागत करें। त्याच प्रमाण हंगा माटवार बशिल्ले सगळे आमचे भाव भईण सत्तरी गांवचे सगळे ग्रामस्थ आणि हंगा 10-11 आणि 12 सबंद गोयचो वाटार 10-15 हजारा भितर हंगा लोटपाचो आसा आणि हांगासरली संस्कृताय आणि हांगासरले सगळे पारंपारीक प्रतीन जे प्रदर्शन हंगा मांडिल्ले आसा ताजो आस्वाद घेवपाचे आसा। सगळ्या सगळ्यांचे तुम्ही येवकार करचे अशें म्हणून मागता। येवकार, नमस्कार। स्थानीय ग्राम देवता श्री सातेरी देवी जिनके स्थान पर आज हम यह उत्सव मना रहे हैं वे मंडलगिरो तथा कोलगिरो देवता और ठाणे पंचक्रोशी में स्थापन्न सभी देवताओं को मेरा नमन। साथियों, आज यह पल सत्तरी के सांस्कृतिक इतिहास का नया पन्ना लिखने जा रहा है। इस शुभ अवसर पर आदरणीय व्यासपीठ मंच पर उपस्थित मान्यवर तथा मंडप पर उपस्थित सत्तरी के सभी माता पिता और भाई बहनों को मेरा सादर प्रणाम। साथियों, आज ठाणे गांव के इस प्राचीन सांस्कृतिक इतिहास याद दिलाने वाले मंडलगिरो और कोलगिरो के शुभ भूमि पर महादेव लोक उत्सव का समारोह का उद्घाटन होने जा रहा है। यह पल हम सत्तरी के लिए गौरवशाली पल है, शुभ घड़ी है। इस शुभ अवसर पर प्रमुख अतिथि के रूप में उपस्थित हैं गोवा राज्य के महामहिम राज्यपाल डॉक्टर श्रीमती मृदुला सिन्हा जी। मैडम, हम सभी सत्तरी वासियों की तरफ से हम आपका दिलों दिल से स्वागत करते हूँ। मंच पर उपस्थित अन्य महादेव आयोजन समिति के स्वागताध्यक्ष श्री उत्तम गांवकर, संपादक श्रीमती नमन सावंत, कार्याध्यक्ष श्री उदय सावंत, मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। अन्य महोदय, सभी प्रिंट मीडिया तथा डिजिटल मीडिया पत्रकार बंधु और उपस्थित तमाम लोगों को मैं आयोजन समिति की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूँ। सत्तरी तहसील में एक विशेष सांस्कृतिक परंपरा देखने को मिलती है जो गोवा के अन्य विभाग में नहीं मिलती। यहाँ का अनोखा शिग्मोत्सव उसका सुंदर उदाहरण है। घोड़ोमणि उत्सव, करौली सकारत, चोर उत्सव उसके सुंदर उदाहरण है। सागोती, वड़े, पोळे, मुटली, शिरोळे, गोडाची बाकर, नाचण्याची बाकर यहाँ के पारंपरिक व्यंजन है जो दुर्लभ होते नजर आ रहे हैं। ठाणे पंचक्रोशी ने इस आयोजन का भार अपने माथे पर उठाकर हमें जो सहयोग दिया है, इसलिए आप सबको धन्यवाद करते हुए मैं यहाँ विराम लेता हूँ। धन्यवाद सगळे, देव बरे करू। मंडलगिरो कोलगिरो देवतांक नमन करूं आणि हांगा स्थानिक देवतांक नमन करूं। आयच्या ह्या कार्यावळीची सुरवात केली आसा, सगळ्यांक आमी येवकार दिल्लो आसा। खऱ्यांनीच आमचे जे पारंपारीक दायज आसा, जी परंपरा आसा, ती आमकां फुडें व्हरपाकूच जाय। जो की हमारी विरासत में संजयो हुआ हर एक पल, हम बुजुर्गों को उन्हें दिखाना है, उन्हें मार्गदर्शन करना है और ताकि यह युवा पीढ़ी और बच्चे के मन मानस में यही परंपरा संजोकर उन्हें आगे ले जाना है ताकि हमारी लोक संस्कृति इसके आगे भी बरकरार रहे, इसके आगे भी संजोकर रहे और एक पल को हमें और भी अग्रसर करना है। इसीलिए इसी मादई लोक उत्सव का आयोजन भरापुरा आज 10, 11 और 12 मई के दिन यहाँ पर आयोजित हो रहा है, जिसका उद्घाटन आदरणीय गोवा के राज्यपाल डॉक्टर मृदुला जी सिन्हा जी के कर कमलों से हो जाएगा दीप प्रज्वलन के पहले। लेकिन आपका स्वागत करते हैं बहुत ही यही इसी पल में, इसी माहौल में और इसी शानदार भूमि में फले हुए और जिन्हें फूले हुए कहते हैं उसी फल और फूल से आपका स्वागत हो रहा है। हमारी परंपरा है अतिथियों का स्वागत बहुत ही शानदार तरीके से हो, वाद्य से स्वागत, खुशबूदार स्वागत और बहुत ही रसीला स्वागत हो चुका है, तालियों से आपका स्वागत हो चुका है। इसी के साथ हम आपके लिए फिर एक बार यह प्रार्थना करना चाहते हैं कि कृपया दीप प्रज्वलन से महादेवी लोक उत्सव, इस महोत्सव का आप उद्घाटन करें। आयोजकों से ज्ञात हो चुका है
यहाँ पर किसी भी राजकीय सहायता न लेते हुए हर एक ग्राम के हर एक घर से और हर एक परिवार ने तो उत्सव का आयोजन करने में अपनी सहायता दी है। और सगळ्याकडे मागता जा जा गावच्या भाव बहिणींनी आपले अशी सहायता आपले असं एक वाटत आणि उखललं असा मागीर तो 10 रुपया जाऊ ना जाल्यार 1000 रुपयांची एक सहायता जाऊ त्याची मदत जाऊ जाणी जाणी ह्या मादय माता उत्सवाच्या आयोजनात आपला असं खाशेला वाटा दिला असा आम्ही सगळ्यांची तोखणाय करूया आमचीच तोखणाय करूया एक वळ्यातली वळली ताळी आमच्या 70 गावच्या सगळ्या 70 ग्रामस्थांक पाहुणी आमच्या सगळ्या भाऊ बहिणांक पाहुणी रंग अंतरंग ज्या अंकाचे आताच विमोचन झाले असा लोकार्पण झाले असा मादय लोक उत्सव 2019 के उद्घाटन सत्र की आदरणीय महामहिम राज्यपाल डॉक्टर मृदुला सिन्हा प्रमुख अतिथि हैं। आपका मैं तहे दिल से स्वागत करती हूं मैडम। आदरणीय एडीसी सर, मादय लोक उत्सव समिति के अध्यक्ष लक्ष्मण गावस, स्वागताध्यक्ष उत्तम गावस, कार्याध्यक्ष उदय सावंत और मेरे भाई बहनों, इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि महामहिम राज्यपाल गोवा सरकार हमारे ठाणे सत्तरी जैसे ग्रामीण क्षेत्र में पधारे हैं और हमारा भाग्य है कि सत्तरी रंग अंतरंग इस ग्रंथ का अनावरण उनके कर कमलों से हो रहा है। धन्यवाद मैडम। किसी भी ऐसे महोत्सव में मैगजीन के बजाय 310 पन्नों का सविस्तर विचार प्रकटन लेखन का संचयन ग्रंथ के रूप में प्रकाशित होना ये पहली बार हो रहा है। इस ग्रंथ में तकरीबन 62 लेख हैं जो कि 60 अलग अलग प्रख्यात लेखकों ने लिखे हैं, जो जिस क्षेत्र में कार्यरत है उन्हीं से लेख लिखवाए गए हैं, इसलिए वो अध्ययन पूर्ण है। लेखकों में कार्यकर्ता सालों से एक ही क्षेत्र के लिए योगदान देने वाले भी लेखक हैं। बहुत ही कम समय में सिर्फ 15 दिनों में तैयार किया गया ये ग्रंथ है। ये नामुमकिन ही था, लेकिन इस ग्रंथ से जुड़े सभी लोगों ने दिन रात एक करके ये तैयार किया है। बिना संबोधन के रह नहीं जाता ऐसा एक नाम है हमारे भाई जैसे दोस्त हैं वो राजू बर्वे, वो अपाहिज है, उन्होंने पूरा टंक लेखन इस ग्रंथ का खुद ने किया है। वो बिस्तर से उठ नहीं सकते हैं फिर भी इसका दिन रात उन्होंने काम किया है, उनके लिए तालियां बजनी चाहिए, सलाम उनके काम के लिए। इस ग्रंथ में खत्म हो गई संस्कृति के बारे में लिखा है, अस्पर्श ऐसे विषय उसमें हैं, अंग्रेजी हिंदी कोंकणी मराठी ऐसे सभी भाषाओं के ग्रंथ इसमें प्रबंध इसमें शामिल है। आपसे बस अनुरोध है कि ये ग्रंथ खरीद कर हमारे नहीं आपके मादय लोक उत्सव के खर्चे को भी आप अपना हाथ लगाएं। धन्यवाद। देश के कोने कोने में या फिर उत्तर भारत में या फिर दक्षिण भारत में या फिर कभी भी किसी भी कोने में पानी की समस्या क्या होती है यह कोई प्रश्न नया नहीं है। बूंद बूंद पानी के लिए कितने प्यासी तड़पते हैं ये एक अहम सवाल है। महादेवी श्वास प्रश्वास में एकदम भीतर गई है। महादेवी पर यहाँ का जनमानस फला हुआ है। एक बाजू में यह प्रश्न है तो दूसरी बाजू में सत्तरी गांव की लोक कला का एक महिमा है। और आज महादेवी लोक उत्सव बहुत ही शानदार तरीके से दोनों को लेकर आज यह उत्सव एक बहुत ही अच्छा रंग लेकर हमारे सामने आ रहा है। और इस रंग का हर एक आयाम यदि हम यह अंक पढ़ें तो और भी मालूमात हो जाएगा। आदरणीय राज्यपाल मैडम डॉक्टर मृदुला जी सिन्हा, झारखंड और जहाँ पर जितना भी हमें ज्ञात हुआ है, जहाँ जिस प्रदेश से जिस भूभाग से आप पली हुई है बढ़ी हुई है और जहाँ पर जो लोकमानस जो जनमानस आपके दिमाग में और आपके एकदम ज्ञात आपके मन मानस में जो भी बसा हुआ है वहाँ की समस्या और वहाँ की भूमि और वहाँ का लोकमानस आपके साहित्य में झलकता ही झलकता है। आपके साहित्य में हर पल हर पन्ने पर है वह स्त्री की संवेदना, है वह मानस और वह जनता का हर एक प्रश्न। इससे हिंदी जनमानस ही नहीं लेकिन गोवा का जनमानस भी बहुत ही वाकिफ हो चुका है। कृपया प्रार्थना है आदरणीय राज्यपाल डॉक्टर मृदुला जी सिन्हा, कृपया यहाँ पर आए और आपके विचार
और आपका संदेश जनता के लिए आप सुनाए। श्री उदय सावंत जी, श्री उत्तम गांवकर, श्रीमती नमन सावंत, श्री लक्ष्मण गवास और सत्तरी तालुका से गांव-गांव से आए हुए यहाँ जो उपस्थित हुए हैं वो इस इलाके के तीनों पीढ़ी के लोग इस तपती धूप में भी यहाँ आकर इकट्ठे हुए हैं। यहाँ का जो खान पान और सारी कलाएं हैं उनको प्रदर्शित करने और जैसा कि बार बार कहा गया कि अपनी नई पीढ़ी को उन सारी चीज़ों से अवगत कराने के लिए ये सारे स्टॉल लगाए गए हैं। जिन लोगों ने स्टॉल लगाया है मैं उनको बहुत बहुत बधाई देती हूँ और शुभकामनाएं देती हूँ कि आपके हाथ में जो हुनर है, जो कला है, वो आप आने वाली पीढ़ी भी उसको सीखे, समझे और गोवा ही नहीं गोवा के बाहर भी इन कलाओं को, क्योंकि ये लोक कला हैं और भारतवर्ष लोक संस्कृति का ही एक देश रहा है। धीरे धीरे उसमें कुछ परिवर्तन आ रहा है लेकिन अब भी लोक संस्कृति से कोई भी राज्य, कोई भी इलाका अछूता नहीं है। कुछ दिनों के लिए ऐसा लगा कि लोक संस्कृति से लोग टूट रहे हैं, अलग हो रहे हैं, लेकिन फिर चाहे वो केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकार हो, सब लोग, और ख़ास करके राज्यों की बात नहीं करती हूँ मैं, ख़ास करके जो लोक हैं, जो जहाँ के बासिंदे हैं, उन बासिंदों को और अब युवा पीढ़ी को भी जो वहाँ की लोक संस्कृति है उसमें रुचि आने लगी है, लोग उसको संभाल कर रखना चाहते हैं, ये बहुत प्रसन्नता की बात है। जो अभी पत्रिका की संपादिका हैं उन्होंने बताया सत्यजी के बारे में और उसका परिचय दिया कि कैसे जंगलों में बसा हुआ ये इलाका है और इसलिए कितना हरा भरा है महादेवी के कारण, केवल मनुष्य को नहीं बल्कि पशु पक्षी और पेड़ पौधों को भी जल मिला है। जल मिला है मतलब जीवन मिला है। मैं रास्ते में आते हुए ये भी देख रही थी कि शिक्षण संस्थाएं भी हैं, अच्छी अच्छी दुकानें भी हैं, पहाड़ के बीच में रहते हुए जो आज की आवश्यकताएं हैं उससे वंचित सत्तरी इलाका नहीं है। जो सब लोगों का, बाकी जो पहाड़ी इलाके में, देश में, दूसरे इलाकों में मैं गई हूँ, 40 वर्षों से मैं पूरे देश में घूम ही रही हूँ, पहले की बात बताती हूँ कि पूरा वस्त्र भी लोगों के शरीर पर नहीं रहता था, खास करके जो जंगलों में रहते थे। लेकिन आज जो परिवर्तन आया है धीरे धीरे, उस परिवर्तन के कारण भोजन भी, वस्त्र भी, छत भी सिर पर, ये होता जा रहा है, ये बहुत खुशी की बात है। और वो भाव होता है हम उसी चीज़ को प्रदर्शित करते हैं जिसके प्रति हमारे मन में गौरव भाव रहता है, जिसके लिए हम समझते हैं कि हमारी थाती है, ये हमारी निधि है, ये हमारे पूर्वजों ने जो कायम करके दिया हमारे लिए बहुत बड़ी चीज़ है और इसे हम अपनी थाती की तरह, गौरव की तरह इसको अपना कर रखते हैं। और आज आप लोगों को प्रसन्नता ये है कि गोवा की राज्यपाल यहाँ आई। किसी भी राज्य में जाऊँ, गोवा में भी जब आई 4-5 बार, तो मैंने कहा कि मैं शहर में नहीं कार्यक्रम लूँगी, मैं ग्रामीण क्षेत्र में जाऊँगी। कुछ लोगों ने कहा कि वहाँ तो सड़क नहीं है, गोवा की बात नहीं कर रही, दूसरी जगह, गोवा में तो सड़कें बहुत अच्छी हैं। तो मैंने कहा सड़क नहीं होगी तो कोई बात नहीं, आप लोग पैदल चलते हो, हम भी 1-2 किलोमीटर पैदल चलेंगे, लेकिन मैं गांव देखना चाहती। और गांव देखने का मतलब इसलिए, मैं स्वयं गांव की बेटी हूँ, गांव की बहू हूँ, अभी 2 महीने पहले अपने ससुराल गई थी और पिछले 60 वर्षों में, मेरे विवाह के 60 वर्ष हो गए, 60 वर्षों में
उस गांव में कितना परिवर्तन आया है उस पर मैंने एक आलेख लिखा है। कितना परिवर्तन, जो लोग हम कहते हैं बच्चों को तो लगता है कोई किस्सा कहानी कह रहे हैं, रोड नहीं, सवारी नहीं, पैदल जाना है, गांव के अधिकांश लोगों के शरीर पर कपड़े नहीं हैं, छत नहीं है। लेकिन एक बात कहना चाहूँगी, जिनके सिर पर छत नहीं, जिनके शरीर पर वस्त्र नहीं, जिनका पेट पूरी तरह भरा नहीं, वो हमारे घर के पड़ोसी थे ऐसे लोग, और उन पड़ोसियों को रात्रि को ये ढोल डंप और इसको इस बाजा को जो बजा रहे थे, हम पिपही कहते हैं, पता नहीं आप क्या कहते, वही स्वर है, वही ताल है, वही छंद है जो हमारे गांव में। इसलिए जब ये पिपही और ये ढोल की आवाज़ मैंने सुनी तो मुझे रोमांच हुआ, मुझे लगा फिर से मैं अपने मायके में आ गई। यही स्वर और ताल और लोगों का व्यवहार बांधता है। आजकल टेबल पे खाना परोस दिया जाता है, सब लोग अपना अपना प्लेट लेके खाना खाते हैं, जिसको जो अच्छा लगा जितना पेट भरा कि नहीं, किसी वहाँ बैठी माँ को मालूम नहीं है, वहाँ यदि आसपास में दादी बैठी है उसको भी नहीं मालूम, क्योंकि सब लोग अपना अपना प्लेट लेके खाता है। लेकिन हमारे बचपन में एक महिला एक व्यक्ति को एक बच्चे को खिलाने के लिए बैठती थी, या दो तीन को साथ बैठा के खिलाती थी, और थोड़ा और ले लो, थोड़ा और खा लो, थोड़ा और, थोड़ा और करते करते वो पेट भरने से ज्यादा खिला ही देती। मुझे ये बहुत बड़ा अभाव लग रहा है कि आज हम अपना खाना खा लेते हैं, हमको कोई पूछने वाला नहीं, घर में आदमी नहीं है ऐसा नहीं, लेकिन हमारे व्यवहार बहुत कुछ बदल गए। और मैं जब देखती थी कि वो जिनको मैंने आपको कहा वर्णन किया, जिनके सिर पर छत भी नहीं थी, ऐसे लोग भी जो सुर और ताल में गाना शुरू करते थे, उस उन गानों में दुख भी होता था, सुख भी होता था, जितने भाव हैं वो सब कुछ होता था, और खुलकर गाते थे, खुलकर अपनी बात कहते हैं। इसलिए मैं गांव की ओर ही जाती थी। गांव में जाने के बाद कई घरों में जाती थी, उनके पास बैठकर बातें करती थी, उनकी आवश्यकताएं क्या है ये लेके आती थी, और सीधे प्रधानमंत्री के पास जाती थी, मंत्री के या जैसे जिसके पास भी जाना है। ग्रामीण जीवन की आवश्यकताओं से उनको अवगत कराना, ये आज की बात मैं नहीं बता रही हूँ, बहुत पहले। लेकिन मेरा ज्ञान बढ़ता गया, इसलिए जैसा अभी कह रही थी संचालनकर्त्री की लोक संगीत में लोक के बारे में, मुझे बहुत लोग पूछते हैं आपकी कहानियों में, आपके लेखों में, आपके उपन्यास में ऐसे चरित्र कैसे आते हैं जो लगता है कि सामने खड़े हैं। मैं ये बात उनको बता तो नहीं सकती कि मैं कैसे लिखती हूँ, लेकिन इतना जरूर है कि सामने सब लोगों को जहाँ भी मैं जाती रही, गरीब से गरीब महिला के पास बैठती थी, उनसे गीत सुनती थी, उनकी अपने जीवन की कहानी सुनती थी। एक बार मैंने एक हिंदी की प्रोफेसर से कहा, उसने कहा कि आपकी फलानी कहानी बहुत अच्छी है। मैंने उससे कहा मुझे कभी कभी लगता है कि मैं आज की कहानी नहीं लिखती हूँ, मैं तो इतिहास लिखती हूँ।
इतिहास लिखने का मतलब जो मुझसे जो 60-70 साल बड़ी महिला थी, मैं तो उसकी कहानी लिखती हूँ, क्योंकि उन्हीं की बात को मैं संजो के रखती हूँ। वो कैसे गीत गाती थी, वो गीत गाते गाते रोती थी, गीत गाते गाते हंसती थी, जाता पीसते पीसते गीत गाती थी, धान कूटते हुए गीत गाती थी, और वो गीत उसके मनोरंजन के लिए नहीं थे। उनका मन बहलाव नहीं होता था, उनके मन का भड़ास निकलता था। जो वाद्य यंत्र हैं वो केवल मनोरंजन नहीं करते हैं, हमको बहुत कुछ बताते हैं। मुझे मालूम हुआ कि इस गांव में, इस इलाके में पुलिस लाइन में बहुत लोग जाते हैं। क्या मैं ठीक करें? पुलिस बहुत बनते हैं। तो मैंने बताया, हमारे साथ गोवा के एसपी हैं, हमारे अभी एडीसी हैं, कि मुझे जहाँ कहीं भी भाषण के लिए ले जाया जाता है, जाता था, तो उस विषय पर सोचते हुए मैं बड़ी बड़ी पोथी ये सब नहीं पढ़ती हूँ। मैं कोई न कोई लोक गीतों में खोजती हूँ, लोक गीतों की कोई पंक्ति जिसमें उस विषय का वर्णन हो। एक बार दिल्ली में बहुत बड़े बड़े पुलिस ऑफिसर थे, कॉन्स्टेबल्स भी रहे होंगे, मुझे ध्यान नहीं है। तो मैंने कहा कि वहाँ पे मुझे बुलाया भाषण देने के लिए, मैं क्योंकि केंद्रीय समाज कल्याण के बोर्ड की अध्यक्ष थी, कोई मैंने पहले से तैयारी नहीं की थी। मैंने सोचा यहाँ मैं क्या बोलूँ, पुलिस के बारे में कितनी जानकारी है, थोड़ी बहुत है। उनके अंदर ममता होनी चाहिए, दया होनी चाहिए, अपने कर्तव्य के प्रति वो निष्ठावान होना चाहिए, आदि आदि, लेकिन कुछ अंदर की बात भी मालूम होनी चाहिए उस विषय के बारे में। आजकल मुझे बहुत सारी जगहों पे गोष्ठी, अंतर्राष्ट्रीय गोष्ठी, ये सब में बुलाया जाता। मैं निमंत्रण स्वीकार इसलिए भी कर लेती हूँ कि जिन विषयों की मुझे जानकारी नहीं है, वहाँ जाने के बाद थोड़ी जानकारी हो जाए। जैसे 70 के बारे में कोई जानकारी इतनी नहीं थी, मैं जानती थी कि हमारे आदरणीय राणे साहब का ये इलाका है। यहाँ आके मैं एक रात एक जगह पे ठहरी भी थी। मैं जानती हूँ कि हमारे हेल्थ मिनिस्टर का भी ये कंस्टिट्यूंसी आसपास का इलाका है। तो ये सब थोड़ी बहुत जानकारी, और पहाड़ों के क्षेत्र में मादेही नदी वहाँ से निकलती है, ये मालूम था। लेकिन जितना आज विस्तार से मालूम हुआ, ये मालूम नहीं था। इसलिए मैं जब आई थी यहाँ राज्यपाल बन के, तो मैं बहुतों लोगों को कहती थी मुझे मेरा कार्यक्रम ग्रामीण क्षेत्र में रखो, खुला मन होता है, लोगों का खुला चेहरा होता है, वहाँ जाकर उनके चेहरे को देखकर, उनके गीत को सुनकर बहुत कुछ जानकारी ले सकती हूँ। इसलिए भी यहाँ आने पे बहुत खुशी हुई। तो मैं आपको बता रही थी कि पुलिस का जो कॉन्फ्रेंस हो रहा था, पुलिस वालों का, उसमें मैं सोचने लगी कोई न कोई गीत पुलिस वालों के बारे में होगा। अचानक मुझे ध्यान आ गया, बचपन में सुना था वो गीत, हमारी भाषा में है, बाबू दरोगा जी हो, यहाँ पे कोई दरोगा जी है क्या? बाबू दरोगा जी हो, कौने गुनहिया पियवा बांधल गेत। जब उसके पति को दरोगा जी पकड़ लेते हैं, तो महिला को मालूम नहीं कौन सा दफा लगाया, कौन सा धारा लगाया, कैसे गिरफ्तार किया, तो पूछती है किस कारण से, किस गुनाह में, किस सजा में, किसके कारण तुमने मेरे पति को पकड़ा है, बाबू दरोगा जी से पूछ ले। और एक बात देखिए, हम लोगों के यहाँ
किसी के नाम के आगे बाबू लगाया जाता है, इसका मतलब वो सम्मानित व्यक्ति है। किसी के नाम के बाद जी लगाया जाता है, इसका मतलब वो सम्मानित व्यक्ति। अब इस गीत को याद करके मुझे लगा कि दरोगा जी को के नाम के आगे बाबू है और उसके बाद जी है, मतलब ग्रामीण क्षेत्र के लिए दरोगा जी कितने बड़ी चीज, कितने बड़े व्यक्ति हैं। लेकिन वह पूछती है मेरे पति का गुनाह क्या है, और वो कहती है नामर पियवा लुच्चा लफंगवा, मेरा पति लुच्चा लफंगा बदमाश नहीं है, वो किसी का छेड़छाड़ नहीं करता है, किसी को लूटता नहीं है। नामर पियवा चोर, मेरा पिया चोर नहीं है, तो तुमने क्यों गुनाह में बंद किया इसको। और लंबा गीत है, बहुत कुछ वो डायरो करती है। तो ग्रामीण क्षेत्र में हम लोगों के यहाँ तो घूंघट में रहती थी महिलाएं, दरोगा जी से तो बात करने की हिम्मत नहीं होती थी, लेकिन उसके अंदर भी बहुत सारे प्रश्न होते हैं, पुरुषों के अंदर भी बहुत प्रश्न होते हैं, और उन प्रश्नों को वो दरोगा जी हो या कोई भी हो उससे पूछते हैं, अपने को संतुष्ट करते हैं, जानकारी लेते हैं। आजकल ये जानकारी है टेलीविजन के माध्यम से बहुत बढ़ गई, बहुत तरह की जानकारियां मिलती है उससे। टेलीविजन पर भी लोक गायन, लोक नृत्य सब होता है, लेकिन इस इलाके में मैं जानती हूँ, मुझे विश्वास है जो नृत्य दिखाया जाएगा, जो गायन होगा, वो टेलीविजन पर नहीं आएगा, एक ओरिजिनल होता है जो यहाँ के लोग सुन मन की मस्ती में गाते हैं, मन का वो दूसरे तरह का होगा, उसमें एक सरलता होती है, सहजता होती है। इसलिए कोई भी समाज अपने लोक जीवन को तोड़ना नहीं चाहता, लोक जीवन ही आधार है। मैं थोड़ा जानने की कोशिश करती रहती हूँ, कल ही जो कार्यक्रम हुआ है आज अखबार में पढ़ा, और हमारे एडीसी ने बताया जो आग पर चलने का, मैंने पूरा उनसे कार में बैठ के इनसे सुना, ये कैसे संभव होता है। हमारे हर व्रत त्योहार में तपस्या होती है, शरीर को कष्ट दिया जाता है, और ये शरीर के कष्ट देने के बाद जो उपलब्धि होती है उससे आनंद आता है। सबसे बड़ी बात, लोक जीवन का आधार सामूहिकता है। हम समूह में सोचते हैं। तो एक आदमी थे, बुजुर्ग आदमी थे, सोचते सोचते उन्होंने कहा कि तुमने कोई बात तो नहीं पचा रखी है, अपने पेट में अन्न पचाते हो, बात नहीं पचता, अन्न पच जाएगा लेकिन बात पचती नहीं है। तो पूछते पूछते उसको याद आया, उसने कहा कि हाँ एक बात है जो मेरे पचाई हुई। तो उस व्यक्ति ने उसको सुझाव दिया, तुम जंगल में चले जाओ, किसी पेड़ को के सामने कोई कहीं कोई आदमी ना हो, तो पेड़ को पकड़ के उसमें मुंह लगा के तुम धीरे धीरे उस बात को कह दो, और जब तुम कहते जाओगे जैसे जैसे वो बात निकलेगी वैसे वैसे तुम्हारा पेट कम होता जाएगा। वो बहुत परेशान था, वो गया जंगल में, गोवा में जैसे कटहल के पेड़ हैं, इतने प्रकार के पेड़ हैं, तो एक कटहल के पेड़ को पकड़ लिया, और पकड़ करके उसने कहा राजा के दो सिंह। वो तीन चार बार बोला तो उसका पेट जो है वो पचता गया, और धीरे धीरे बिल्कुल सामान्य हो गया, वो बहुत हंसी खुशी से घर लौटा। लेकिन कुछ दिन के बाद
उस पेड़ को काटा गया और कोई संगीत प्रेमी, संगीत का जो सब लोग होते हैं, एक ग्रुप होता है, उन्होंने खरीद लिया, तबला बजा, सारंगी बना, हारमोनियम बनाया, ये सब जो साज वाज हैं सो बना लिया गया। अब वह बाजा जब जहाँ भी बजता था, उस बाजे से स्वर निकलने लगा, राजा के दोषी, किसने कहा, किसने कहा? तो उस हलवाई का नाम लेके बलदेवा हजाम ने, बलदेवा हजाम ने, यही बाजा निकलना शुरू हुआ। धीरे धीरे बात राजा तक पहुंची, ये क्या हो रहा है? राजा ने बुलाया और कहा कि तुमने कहा? बोला कि नहीं, मैंने किसी से नहीं कही है बात। तो ये कैसे बात फैली? फिर उसने सच्ची सच्ची बात बता दी। उनके राजा के मंत्रीगण बैठे थे, ये हुआ कि नहीं, इसके नाक जोड़ काट लो, इसको सजा दो। उसमें से एक मंत्री ने कहा, इसे छोड़ दीजिए, क्योंकि बात तो अभी छुपी रही नहीं, बात तो फैल गई। किसी भी बात को पेट में पचा के रख लेना, किसी से शेयर नहीं करना, जितने समय तक आप शेयर नहीं करते हैं, किसी को नहीं बताते हैं, सोचिए आपकी क्या स्थिति होती। आज भी बहुत लोग यहाँ बैठे होंगे जो सुबह या कल सुने होंगे किसी की बात, और उनके मन में बात हो रही है कि मैं किसी को बताऊं या ना बताऊं, और बहुत सोच रहे होंगे किसको बताएं। मैं आपको कहती हूँ, जिसके मन में ऐसी बात है मुझे बता दो, मैं किसी से नहीं कहूँगी और बहुत दूर चली जाऊंगी, कम से कम इधर इसी इलाके में तो नहीं कहूँगी, दोना पोला चली जाऊंगी। बात करना, शेयर करना, जितना जीवन खुला होता है उतना सुखद होता है। एक बार मुझे ताज होटल में बुलाया था, गोन कुजीन इसका प्रदर्शन था, तो मुझे भाषण देने के लिए कहा गया। उसके पहले जो बड़े बड़े होटल हैं उनके जो कुक होते हैं, बड़े शेफ होते हैं, उन लोगों ने दिखाया, दो तीन आइटम बना के देख दिखाया, एक महिला ने प्रदर्शित किया, मैं देख रही थी सारा आइटम। जब मुझे भाषण के लिए कहा गया तो मैंने कहा कि गोवन कुजीन है या कोई भी कुजीन है, इसका उद्घाटन करना तो ऐसे होता कि मैं भी कुछ अपना दिखाती, मुझे क्या बनाने आता है, ऐसा अवसर मुझे देते आप, मैं भी कुछ बनाती, कोई स्पेशल सब्जी बनाती, मिठाई बनाती, कुछ भी बनाती। तब हुआ कि उद्घाटन किया हमने, लेकिन मैंने उनको बताया कि दो तीन आइटम जो आपके यहाँ दिखाया गया वो मैं भी बनाती हूँ, बिहार में सीखा, राजभवन में बनवाती हूँ, जैसे पंपकिन के फूल का जो बचका बनाते हैं, बनाते हैं आप लोग, तो हम भी बनाते हैं। और हमारे यहाँ पंपकिन कभी नहीं लगा था, वो मैं जब से आई हूँ पंपकिन मैंने लगवाया, और एक साल तो 35 पंपकिन फले, उसी ने देखा, बहुत लोगों ने नहीं था, हमारे राजभवन में दो चार लोग हैं, ये क्या है। तो ये बात मैंने इसलिए कही आपसे कि संपूर्ण भारत में अलग अलग राज्य है, अलग अलग पहनावा है, अलग अलग खान पान है, लेकिन बहुत कुछ में एकता है, थोड़ा सा तेल का फर्क हो जाता है। यहाँ के लोग नारियल खाते हैं, हम सरसों का तेल खाते हैं। आज हमारे यहाँ कुछ लोग बहुत बड़े डॉक्टर हैं, दिल्ली में पार्लियामेंट में वो आए थे, खाना खाते हुए कोई बात चली तो मैंने कहा ये राजभवन का जो किचन है वो बिहारी किचन हो गया है, सारा आइटम उसमें बिहार टेस्ट से बनता है, तो बिहार के लोग आते हैं वो तो बड़े खुश होते हैं, लेकिन मैं देखती हूँ कि दूसरे राज्य के भी लोग आते हैं तो खुश होते हैं कि नहीं टेस्ट तो बहुत अच्छा लग रहा है, हम नारियल का इस्तेमाल केवल नहीं करते, तो मिठास थोड़ा कम हो गया।
गोवा वासियों में मिठास ज़्यादा है। जो विदेश से लोग आते हैं, जो देश के दूसरे कोने से लोग आते हैं, वो मुझसे मिलते हैं और कह के जाते हैं कि शायद नारियल का पानी पीने, नारियल के तेल में ही खाना खाने से लोग यहाँ ज़्यादा मीठे मीठे लोग हैं। और ये सच है, ये सब लोग इस बात को जानते हैं कि यहाँ सामाजिक सौहार्द बहुत है, सोशल हार्मनी है। और ये बाहरी लोगों को भी ये बात छू जाती, तो बहुत खोज करके गांव के लोग जो पढ़े लिखे नहीं थे, उन लोगों ने भी उन सारे सुरताल को बनाया। और बाद में चल के सब लोग उस सुरताल को, जो एक से एक जो संगीतज्ञ हुए, उसको ले लिए। हमारी संस्कृति बहुत समृद्ध है, हमारी लोक संस्कृति उससे उसी पर आधारित है। आप इसको बचा कर रखेंगे, इसकी उम्मीद करते हुए यहाँ आकर मुझे बहुत प्रसन्नता हुई है। यहाँ आना बहुत ज़रूरी था और मैं फिर आऊँगी आपके यहाँ, ये कह के अपनी बात समाप्त करती हूँ। बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक और आंचलिकता है, एक और लोकाचार है, एक और रहन सहन है, एक और लोकवाद्य है, एक और लोक नृत्य है, एक और लोक साज है। तो दूसरी ओर आधुनिकता है, दूसरी ओर फेसबुक है, दूसरी ओर ट्विटर है, दूसरी ओर ब्लॉग है, न जाने कितने ही आधुनिकता के पैगाम है। एक ओर लोक है, दूसरी ओर आधुनिकता है। यहाँ पर भी आज लोक और आधुनिकता का मिलन हो चुका है। यहाँ पर घटी हुई हर चीज़ फेसबुक से और न जाने कितने ही इलेक्ट्रिकल माध्यम से जो है पूरे गोवा ही नहीं लेकिन बाहर भी चली जाएगी। हमें बहुत ही नाज है आज महादेवी लोक उत्सव, जो कि 3 दिन यहाँ पर इसका आयोजन हो रहा है, 10, 11 और 12 मई, और जिसका उद्घाटन आज गोवा के राज्यपाल डॉक्टर मृदुला जी सिन्हा इनके कर कमलों से दीप प्रज्वलन से हुआ है। महादेवी लोक उत्सव के इस मंच पर उपस्थित आदरणीय महामहिम राज्यपाल डॉक्टर मृदुला सिन्हा जी और सभी आदरणीय, 70 के वैविध्यपूर्ण संस्कृति के रंगों का यह उत्सव महादेव लोकोत्सव 70 में पहली बार आयोजित हो रहा है। इस ऐतिहासिक लोकोत्सव के रंगों में जिन्होंने सचमुच उत्सवी रंग भर दिया, वह है महामहिम गोवा के राज्यपाल सम्मानित मृदुला जी सिन्हा। इस प्रकार के उत्सव को पहली बार 70 में राज्यपाल उपस्थित है, हमारा 70 जनता का सौभाग्य है। मैं इस 70 जनता की तरफ से धन्यवाद देता हूँ। आपके पदस्पर्शों से 70 पुनित हो गई है, आपके विचारों से हम प्रेरित हो गए हैं। मंच पर उपस्थित सभी आदरणीय अतिथि, उन्हें भी 70 महादेव लोक उत्सव की तरफ से धन्यवाद देता हूँ और 70 के सभी जनता को धन्यवाद देता हूँ। और आशा करता हूँ कि यह महादेव उत्सव की परंपरा अभी आगे प्रभाव ऐसा चलता है और जिन जिन व्यक्तियों ने उत्सव को सहयोग दिया है उसी सभी को धन्यवाद कहता हूँ। धन्यवाद। पार्वती शंभा गावकर सालेरीचे, त्यांचा हमीद सय्यद काळपई, यशोदा पांडुरंग मावळे वांगटे, गणेश आयकर ताली, पहिले लोकसभा तुमचा सगळ्यांना धन्यवाद। सुंदर अशा घुमट वादनान हंगा कार्यक्रमाची सुरुवात झालेली असा।
धन्यवाद। सत्तरीतली 50 उजवडाची झाडा फाटली की कितीशीच वर्ष आमच्या सत्तरीतल्या लोकांना दिली काम करतात म्हणून त्या पुस्तकात 50 लोकांची संबंध आम्ही वळेरे दिल्या आणि त्या लागून त्या 50 भाई आणि जी उजवडाची झाडा असतात त्यांचा आम्ही सत्कार केला सन्मान केलो। सत्तरी पुस्तकांना सर उभे असा थंय येल असा जांगा जांगा कोणाक पुस्तक जाय सत्तरीचा ती किंमत आहा 400 रुपया पण आज फाल्यां आणि परवा 300 रुपया तुमकां मेळटली ती घेऊन वच्ची। त्याचबरोबर महादेव लोक उत्सवा खातीर जांगा जांगा दिसता की आम्ही आमचे हात लांब करचे आणि थंय पावचे त्यांच्यानी हात थंय पावचे आणि महादेव लोक उत्सवात अर्थिक मदत जी असा थंय करते त्या खाली महादेव लोक उत्सवाचा दालन असा थंय तुम्ही वाचचे आणि तुमचे हात थंय दिवचे। माजी मुख्यमंत्री भमनाधिक प्रताप सिंग राणे यांच्याकडे मागता की त्यांच्यानी ह्या वेळाचेर आमकां मार्गदर्शन करचा। व्यासपीठावर बसलेले सगळे मान्यवर आणि जमिल्या माझ्या भावानं भेणं सत्तरी लोकोत्सव हो म्हाका दिसता पहिल्यांदाच आम्ही हांगा सारस साजरो करतो। सत्तरी वेगवेगळ्या भागांनी वेगवेगळ्या क्षेत्रांनी जेंच्यांनी कामां केली त्यांचो आज हांगा सत्कार करून आला ती अत्यंत एक बरी गोष्ट असं म्हाका दिसता। कित्याक तर काही लोक आपले काम काही त्याचे गजावजन करता काम करत असतात लोकांच्या हिताचे काम करत असतात आणि त्यांचा सत्कार केला ही बरी गोष्ट। असो हो उत्सव हांगा लोकोत्सव सत्तरी लोकोत्सव जो साजरो केला आयोजकांचे हांव मनपूर्वक अभिनंदन करतो। ते अशेच आपल्या लोकांचे आम्ही त्यांच्या फाटीर एक पाप मारून त्यांना सांगू जाय की तुम्ही बरे कार्य असेच पुढे सरात सत्तरीचे नाव तुमच्या स्वतःच्या घराण्याचे नाव आणि तुमचे नाव तुम्ही वयर काढा। शेकडो वर्सां पयलीं सत्तरीच्या लोकांनी परकियांचे जू कुशी गळोवपाक भरपूर श्रम काढलेले आसात त्याच्या नंतरही अनेक स्वातंत्र्य सैनिक झाले त्यांची आम्ही आशा व्यक्ताक आठवण करून दिली। सत्तरी ही शूरवीरांची भूमी आणि परकियांचे जू केन्नाच स्वीकारू ना हे तुम्ही लक्षात दवरा आणि तितूरसून उफाळून येयले हे तरणाटे त्यांची देख घेऊन आम्ही पुढे सरोंक जाय। आयच्या ह्या सुवाळ्यात म्हाका उपस्थित रावपाक संद मेळ्ळी अशेच कार्यक्रम आणि हो जो आयोजित तुम्ही केला त्या कार्यक्रमाच्या द्वारे अनेक तरणाट्यांक एक तरेची स्फूर्ती मिळते ते आणिकूय काम करचे पुढे असतो। एक काळ वेगळो असलो परकियांचे चूग आमचेर आसले ते आसना आणि सत्तरी मोठ्या नेटान फुडें वचोंक लागले ताका एक गोष्ट गरजेची आसा ते म्हणजे भुरगे बाळ बरे शिकूंक जाय शिक्षणाद्वारेच आम्ही फुडें सरूंक शकतो आम्ही आपले राहणीमान सुधारू शकतो आणि सत्तरी ह्या कामांत फाटल्यान लावची ना असे हांव खरो माझा विश्वास आसा आनीकय फुडें वचूंक जाय आणि हेका फूल थंय पाकळी देणारे अनेक लोक आसात
जैंका गरज आसा तैंका अशा ह्या योजना तर्फे तरणाट्या भुरग्यांक जे गरिबीसून येयले तेंकाय शिश्यवृत्ती दिवच्यो आनी अशा कामाक म्हाजी खात्री आसा ते आमचे सगळे जाणटे ते बरे हेचेर आसात ते फाटी रावचे ना सत्तरी आमकां खरोखरच एक असो प्रदेश करूंक जाय हो भाग की अख्ख्या गोंयांक तो चमकूंक जाय एका काळाक आमी स्वातंत्र्या खातीर परक्यांचे जू उडोवपाक प्रयत्न केलो तेचें नांव आजून गाजता आतां विचारवंतांचे गांव सुशिक्षीत लोकांचे गांव आनी माणुसकी आसलेले लोक आमी निर्माण करूंक जाय माणुसकी कित्याक तर एकामेकांक हातभार दिवंक जाय आमी ह्या तरेन अशा लोक उत्सवा तर्फे आमी लोकांक मदत करूंक जाय जे होत करू भुरगे आसात कोणाक गरज आसा असो एक फंड तयार करुया ही एक सुचना म्हाजी की हे बरें केल्यात तुमी की तुमच्या हांव अभिनंदन करतां हो लोक उत्सव तुमी साजरो केलो पूण हेच्या बरोबरच एक बरें लोककार्य जावन हे इतके सांगून आज जास्त लांबणीचेर म्हाजें भाशण व्हरना परंतु ह्या उत्सवा तर्फे सत्तरीचे लोक एकठांय येवचे एकामेकाक हातभार लावचो हात दिवचो आनी बऱ्या भशेन फुडें वयचे आनी सत्तरी एक नावाजिल्लो हो तालुको म्हणून आनिकूय फुडें वचोया इतकें सांगून हांवें दोन शब्द पुरे करता देव बरें करता अशी सत्तरी फुडें वतली अशाच उत्सवांतल्यान आनी आनी एक उत्सव जसो हो लोकउत्सव आसा हाज्या फुडें कार्याचे उत्सव जावनी आनी त्या कार्याच्या उत्सवांक ह्या सातेरी मायेन आमकां सगळ्या तरणाट्यांक अशी जबळगी दिवनी अशें हांव मागतां आनी हांव आफयतां मिलिंद गाडगी हांकां ताणीं उपकाराचें उलोवप करचें ताच्या पयलीं जांचो तांचो सत्कार जाला जांचो हांकां भोवमान जाला तांच्यांनी सगळ्यांनी हांगा रावचें फोटो खातीर कारण तो दस्तऐवज आसा ते आमच्या खातीर खूब भोवमानाचे आनी मानाचे आसा नमस्कार गोवा मुक्ती नंतर सत्तरी तालुक्यातील पारंपारीक कलेला वैविध्यपूर्ण स्तरावर पुनर्वैभव प्राप्त करून निर्माण करून देण्यासाठी समविचारी कार्यकर्त्यांनी एकत्र येऊन यावर्षीपासून सुरू करण्यात आलेल्या महादय महोत्सवाच्या उद्घाटन सोहळ्याच्या आभार प्रदर्शनासाठी मी उभा आहे सत्तरी तालुक्याचे सांस्कृतिक पारंपारिक दर्शन 3 दिवसाच्या विविध कार्यक्रमाच्या माध्यमातून रसिकांना प्राप्त होणार आहे आमच्या विनंतीला मान देऊन गोव्याच्या माननीय राज्यपाल श्रीमती मृदुला सिन्हाजी यांनी महादय महोत्सवाचे रितसर उद्घाटन केल्याबद्दल समितीतर्फे त्यांचे आभार व्यक्त करतो तसेच या भागाचे गेल्या 50 वर्षापासून प्रतिनिधित्व करणारे गोव्याचे माजी मुख्यमंत्री माननीय श्री प्रतापसिंहजी राणे यांचे उपस्थित राहून मौल्यवान असे मार्गदर्शन त्यांनी केले त्याबद्दलही त्यांचे आभार व्यक्त करतो तसेच व्यासपीठासमोर असलेले आणि व्यासपीठावर बसलेले या सर्वांचे आभार व्यक्त करून ज्यांनी ज्यांनी हा लोकोत्सव साजरा करण्यासाठी यशस्वी असं सहकार्य लाभलं त्या सर्वांचे आभार व्यक्त करतो धन्यवाद